कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुने आपने किया से फिर गुरु दास न प्रिया सुख टल गुरु से लिया ऐन सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय वाहिगुरु जी धन धन गुरु गरीब नवाज सतनाम जी वाहिगुरु जी ऊजा श्री महला पंजवा कोई जन हर सिओ देवै चरण गाव तो को सुबर सना दी जय प्राणी अकोर रह कोई जन हर सिओ देवै चरण गाव को सुबर सना दी जय प्राणी अकोर रह मन तन निर्भर कर तुके आरो हर संचय सुधा संजोर रस मैं मगन हो चुके पाते मां दिखिया ते तो आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोड़ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह परम सम्मान शासन जी साहेब सतगुरु जी मेरे पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन वचन जो आप जी ने पूर्ण नमस्कार किया है राज्य श्री अंदर पवित्र शब्द अंतर है कोई जान हर संदेह है जो चरण कहो बकों शुभ रसना दीजिए प्राणी को अकेली पंक्ति अंदर सतगुरु पातशाह जी वचन करते हैं आयो शरण दीन दुख भंजन चित वर्ग मरी वाहगुरु जी मैं थोड़ी शरण च आया हाँ थोड़े चरण कमलों च आया हाँ थोड़े गरीब नवाज पातशाह जी मैं अगे बेनती से अरदास करना ये अरदास करके मंग की है मैं थोड़े को मंगता हाँ कि मन में सतगुरु पातशाह जी ने तीन चीज़ा आखिया कहने गरीब नवाज पातशाह जी मैं थोड़े पासों मंगता हाँ आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी और अभय पद मैनू ओ दान दियो अभय निर्भयता मैनू निर्भयता का दान दियो सिमरन स्वामी को मैनू उस मालिक के सिमरन की दात बख्शिश करो मैं उसनू चेते कर सकता उसनू याद रख सकता फिर गरीब नवाज पातशाह जी मैनू बंधना तो मुक्त नानक बंधन छोड़ प्रभु नानक बंधन छोड़ मैं बंधना तो मुक्त करो ये तीन वस्तुआ सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ये पवित्र कृष्णा वर्ग वचन के राही सू प्राप्त होंगे और कैसी कमाल की गल है भी सिख को किस तरह नन दिता गया भी सिख है किसी ने दिनों के अंदर तुम सुने ही होगा भी एक बयान आया सी साढ़े महापुरशा का भी कोई गुरद्वारा भी किसी देश विदेश की धरती के उत्ते भी कोई गुरद्वारा भी सिख अपनी मर्जी नाल नहीं बना सकता देखो कैसा कैसा सुंदर संदेश है भी इस देश संदेश दे लोगों को भी कोई डेरा नहीं बना सकता जेडे लोग गुरमत का घाण पे करते हैं तुम उन्होंने कहो भी वो नहीं बना सकते कोई डेरा साढ़े कुछ वगैरह भी डेरिया वाले खुद दे देते भी डेरे जी मर्जी बनाओ पर गुरद्वारा तुम नहीं बना सकते यदा मतलब है कि गुरद्वारे घटते जान तो डेरे बढ़ते जा किसी गडेरिया वाले पास तुरे फिर कि गुरुद्वारे घट जाए गुरुद्वारे वाले पास ना जाने जो लोड़ है उसे भी ना बना वो फिर तीन चार चीज़ा सामने आदि ने भी कि जिते बुलाएंगे सानू बुलाएंगे साडे बंदे जाएंगे टिकटा भी देंगे खर्चा भी देंगे उन्होंने रहन बहन का खर्च भी करेगा फिर अंदर खाते पाया भी चलेगी जी पैसे दो तो तुम बुला हमने आगे दे देने मिनट लगता है हम थोड़े सामने की होया ये कुछ होया ना गरीब नवाज पातशाह जी फरमान करते हैं कहते हैं उही महापुरुष साढ़े पहला कहते सन जी कहते जी मैं सिखा बेनती करता कि चार चार बच्चे सारे ने कर सारे ने मान ली हो गल इदा दे सानू संदेश आ रहे हैं तो सानू हुण उहदे वर उहनां वल बहुते क्योंकि सानू बल दिता गया बंधन च पा दिता गया अकाल तख्त साहिब साडा जिहड़ा है सब सिखां दा साडे वास्ते हमता दे योग है और वह साडे वास्ते हमेशा पूजण योग है और
ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਤਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਤਕ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ